नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी मौजूदा वक्त में वह सुल्तानपुर से सांसद हैं, तो वहीं उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। मेनका गांधी भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो मंत्री नहीं बनी। अब उन्होंने एक चैनल से बातचीत में इन तमाम सवालों पर जवाब दे दिया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जब वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी का टिकट कटने पर बहुत तकलीफ नहीं हुई है। वरुण पर मुझे बहुत गर्व है। वरुण का टिकट कटना कोई सरप्राइज नहीं था। हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी फैसला करती है कि कौन लड़ेगा या फिर कौन नहीं लड़ेगा। उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मेरी ताकत मंत्री होने में नहीं है, मेरी ताकत सेवा में है। मैंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा नहीं, जो मिला उसी से खुश रह गई हूँ। मेरे जहन में मंत्री की बात नहीं है। जब मैं मंत्री नहीं बनी तो सुल्तानपुर के लोगों ने अफसोस जताया था। वरुण गांधी के दूसरी पार्टी में शामिल होने पर अटकलों पर क्या कहा? मेनका गांधी ने कहा कि मैंने उनसे बोला कि आपको काम से मतलब है, काम अगर 1% कम हो जाए तो आप बताना। वहीं वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर जाने और दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, वरुण जो भी करेगा देश के लिए अच्छा करेगा। जब उनसे मौजूदा चुनाव पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक तरफा चुनाव है, मुझे नहीं मालूम 80 में 80 प्रैक्टिकल है या नहीं। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर पूरी तरह बेहतरीन है, हर चुनाव में लहर कैडर पर बनती है, पीएम मोदी हमारी ताकत है। बाकी जिस तरीके से सवालों का जवाब मेनका गांधी ने खूबसूरत अंदाज में दिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिएगा। धन्यवाद।